खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रशासन और पुलिस ने ई रिक्शा के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। दरअसल प्रशासन ने शहर में संचालित ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए उनको सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि 1 दिसंबर से कोई भी ई रिक्शा स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में नहीं चलेगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि सभी ई रिक्शा स्वामियों को अपने सत्यापन करने आवश्यक होंगे। इसके अलावा सभी ई रिक्शा मालिकों को निर्देश दिए गए कि वह समय पर सत्यापन करेंगे और 1 दिसंबर से नियम संगत चलेंगे, नहीं तो प्रशासन रोजाना चेकिंग अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज ई रिक्शा संचालकों के साथ पुलिस अधिकारियों की, प्रशासन के अधिकारियों की एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों के द्वारा और ई रिक्शा के जो यूनियन के पदाधिकारी हैं और जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें ये उनको निर्देशित किया गया कि वो नेशनल हाईवे हमारा नैनीताल रोड, रामपुर रोड, बरेली रोड, कालाडूंगी रोड पर वो प्रतिबंधित किया गया है, उनको वहाँ पर ई रिक्शा नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा इनको 7 दिन का टाइम दिया गया, 1 सप्ताह का, जिसमें ये TI साहब के पास अपना एड्रेस, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है 500 ई रिक्शा वालों का, वो अपने वेरिफिकेशन के साथ अपना एड्रेस नोट कराएंगे और उस एड्रेस के अनुसार जो रूट पास में पड़ेगा उस ई रिक्शा चालक को वहाँ का रूट दिया जाएगा। ये 7 दिन में ये लोग हमें पूरी अपनी रिपोर्ट दे देंगे, उसके बाद TI साहब हमारे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर हम सारे अधिकारियों के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे कि किस पर संख्या ज़्यादा है लोगों के चलने वाली, वहाँ पर ज़्यादा ई रिक्शे दिए जाएंगे, जहाँ पर कम लोग चलने वाले होंगे वहाँ पर कम लोगों को, कम संख्या में ई रिक्शा को अनुमति दी जाएगी।